दोस्तों, अगर आपका फोन हैंग करता है, रुक के चलता है और उसमें जो एप्लीकेशन है बहुत इजी से नहीं खुल रही है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। बहुत सारे मैसेज आए हैं जिसमें ये पूछा गया है कि आप बताएं सर कि हमारा फोन है वो बहुत लैग करता है, हैंग करता है, ऐसे हम क्या करें जिससे कि हमारा जो फोन है वो हैंग ना करे और वो ठीक से काम करे, फास्ट काम करे। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी दो ट्रिक्स जिससे डेफिनेटली आपका जो फोन है वो अच्छे से काम करेगा और लैग नहीं करेगा। बट उससे पहले एक चीज को श्योर कर लीजिए, देखिए अगर आपका फोन बहुत ज्यादा पुराना हो गया है तो भाई देखो, उसको तो आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखो अगर उसमें अपडेट आने बंद हो गए हैं तो उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर उसमें अपडेट नहीं आ रहे हैं तो आगे एप्लीकेशंस भी जो हैं वो तो अपग्रेड होती रहती हैं और आपका जो फोन है वो अपग्रेड ही नहीं होगा तो फिर वो आगे काम करना भी बंद ही कर देगा। बट हाँ, अगर आपका फोन नया है और उसमें अभी हैंग प्रॉब्लम आ रहा है, वो लैग कर रहा है, तो चलिए मैं आपको ऐसी दो ट्रिक्स बताता हूँ जिसकी मदद से आप अपने फोन को बहुत अच्छे से इजिली स्मूथली रन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले ट्रिक की तरफ। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी जो इंटरनल मेमोरी है वो खाली होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारी इंटरनल मेमोरी जो है वो भरी होती है, तो इस वजह से भी हमारा फोन जो है लैग करता है, गर्म होता है। तो सबसे पहले अपनी जो इंटरनल मेमोरी है वो खाली करें। बट आप देखेंगे कि जो आपकी इंटरनल मेमोरी है, आप उसे वीडियो वगैरह ये सब डिलीट कर देते हैं, उसके बाद भी वो इजीली खाली नहीं हो पाती। तो मैं ये ट्रिक बता रहा हूं आपको, इसको कीजिए, डेफिनेटली आपका 1 से 1.5 GB जो है वो क्या है वहां पर स्पेस बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले अपने सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाइए और सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एप्लीकेशन मैनेजर ढूंढना है। अलग अलग फोनों में अलग अलग जगह पे वो होता है, आप सबसे पहले अपना जो एप्लीकेशन मैनेजर है वो ढूंढ लीजिए। तो जैसे मैं मोर सेटिंग में जा रहा हूं, मुझे एप्लीकेशन मैनेजर मेरा फोन का यहाँ पर मिल जाता है, ये वीवो का फोन है। तो आपका फोन आपके अकॉर्डिंग सेटिंग देख लीजिए कैसा है। तो यहाँ पर एप्लीकेशन मैनेजर पे जाने के बाद आप उसे क्लिक कीजिए, आपके फोन पे जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो यहाँ पर आ जाएंगी। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर क्या होता है, आप देखो बहुत सारी एप्लीकेशन आपने यहाँ पर रखी हुई हैं और कई एप्लीकेशन आप रन करते हैं, चलाते हैं, मतलब कहीं नहीं चलाते। तो सबसे पहले जो अनवांटेड है, बेकार है, बहुत टाइम से आप रन नहीं कर रहे हैं, बेमतलब का रखा हुआ है, उनको डिलीट कर दीजिए। और बाकी सबसे पहले आप जो भी एप्लीकेशन सबसे ज्यादा चलाते हैं, जो कि जैसे कि यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ये सबसे ज्यादा चलती हैं, तो आपने क्या करना है, मान लीजिए देखो सबसे पहले आप यूट्यूब पे जाइएगा। आप यूट्यूब पे जाएंगे ना तो आपका इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद आपने स्टोरेज पे जाना है, आप स्टोरेज पे जाओ और स्टोरेज पे जाने के बाद यहां पर देखो बहुत ध्यान से कोई भी ऐसा गलत क्लिक मत कर देना जिससे कि आपका सारा डाटा चला जाएगा, आप फिर मेरे को बोलोगे, पहले आप देख लो। फिर यहां पर देखो, यहां पर ये ऑप्शन आ रहे हैं डाटा का, आ रहा है क्लियर डाटा और उसके नीचे आ रहा है क्लियर कैशे। दोस्तों आप यकीन मानिए, अगर आपने पहले कभी इसको नहीं यूज किया है ये वाले ऑप्शन को, तो आप करेंगे तो आप यहाँ पर आपका 500 MB से लेकर 1 GB तक का जो डाटा है वो भरा होगा। आपने क्या करना है, ध्यान रखिए क्लियर कैशे को करना है, क्लियर डाटा को मत कर देना। जैसे ही आप क्लियर कैशे को यहां से क्लिक करेंगे, आप देखो यहां पर आपका इतना सारा जो है, जैसे मेरे उसमें जितना था वो मेमोरी स्पेस वहां पर खाली हो गया है। फिर आप बैक आएंगे, उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ट्रू कॉलर है, अपने ट्रू कॉलर का जो मैम स्टोरेज है, इंटरनल क्लियर कैशे है, उसको डिलीट करूंगा। यहाँ पर मैंने एक्चुअली पहले से कर रखा है, इसलिए मेरे ज्यादा क्लियर कैशे है नहीं है। आपके उसमें आपने कभी किया नहीं है तो 500 MB तक का यहाँ पर भरा रहता है क्लियर कैशे। क्लियर कैशे वो फाइलें होती हैं जो बेकार फाइलें हैं, उनका कोई यूज नहीं होता है। आप इसी तरह से टोटली जितना भी आपकी एप्लीकेशन है, देखो जितनी एप्लीकेशन है, आप सबका क्लियर कैशे वहां से जो है डिलीट कर दीजिए। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपका 1 से 1.5 GB जो है, आपका यहां तक कि 2-2, 3-3 GB भी हमने देखा है जो स्पेस वहां पर बन जाता है। तो ये तो हो गई पहली ट्रिक। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट और मेरी फेवरेट ट्रिक है, कई आप जानते भी होंगे उसके बारे में, तो चलते हैं उस ट्रिक की तरफ, कैसे डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना है और कौन सी वो सेटिंग करनी है जिससे हमारा फोन स्मूथली चलेगा। ये वाली सेटिंग करने के बाद मैं आपको अगेन प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपका जो पहले का फोन है और जो इस सेटिंग को ऑन करने के बाद जो फोन होगा, दोनों की जो स्पीड है आप देख लीजिएगा, दोनों में डेफिनेटली अंतर आने वाला है। तो जल्दी से हम लोग जो है डेवलपर ऑप्शन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, अपनी सेटिंग में चलो। तो हम लोग सेटिंग में चलते हैं और आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले अबाउट फोन में जाना है। तो दोस्तों अबाउट फोन वाला ऑप्शन आ गया, आप उस पर क्लिक करेंगे। आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सर्च करना आपके फोन में बिल्ट ऑप्शन के नाम से, बिल्ट नंबर के नाम से यहाँ पर एक जगह ऑप्शन होगा, कई जगह पे सॉफ्टवेयर वर्जन भी यहाँ पर लिखा हुआ आता है। तो जहां पर ये बिल्ट नंबर या सॉफ्टवेयर वर्जन है, आपने उसके ऊपर 7 बार क्लिक
क्लिक करना है, आई रिपीट 7 टाइम आपने टैप करना है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर देखो मेरे उसमें तो ऑलरेडी दिखा रहा है कि मेरा जो है ऑन है, आपके उसमें दिखाएगा कि आपका जो डेवलपर ऑप्शन है अब वो रेडी हो गया है दोस्तों। तो उसके बाद आप बैक कीजिएगा, बैक करने के बाद आप देखो यहां पर जो है मोर सेटिंग में आना, अपने सेटिंग में जाके मोर सेटिंग में आप जाओगे, क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद आप सबसे नीचे देखोगे यहां पर डेवलपर ऑप्शन वाला यहां पर आ गया है, इसे क्लिक कर दीजिए। देखो डेवलपर ऑप्शन का जो पेज है वो खुल जाएगा, यहां से उसे ऑन कर देना। उसके बाद ध्यान से सुनो, यहां पर कोई भी गलत क्लिक नहीं करना है, आपने सीधा इसको स्क्रॉल करना है, धीरे धीरे स्क्रॉल करना, और आपने एक जगह पे जाना है। देखो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग है, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन ट्रांसलेशन एनिमेशन स्केल और एनिमेशन ड्यूरेशन स्केल। ये तीन सेटिंग को आपने, जो ये दिख रही है तीन सेटिंग, इसी पे ये आपका फोन जो है स्मूथ होएगा। सबसे पहले आपने विंडो वाले ऑप्शन, ये जो विंडो एनिमेशन स्केल है इसको आपने ऑफ कर देना है, ठीक है, मैंने भी कर दिया। दूसरा ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल है, इसको अभी 1:2 है वो, आपने इसको भी ऑफ कर देना है। और तीसरा है एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल, आपने इसको भी ऑफ कर देना है। ये तीन सेटिंग दोस्तों आप ऑफ कर लीजिए। पहले जो मैंने आपको बताया था सारी एप्लीकेशन के क्लियर कैशे आप डिलीट कर लीजिए, वादा कर रहा हूं इसके बाद आप अपने फोन की स्पीड देखिएगा, और अगर बढ़ गई है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोस्तों। 100% आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगा। जिन्होंने भी डेवलपर ऑप्शन एक बार भी नहीं सुना था उसके बारे में, या बिल्कुल भी उसको चेक नहीं किया था, जरूर कर दीजिए, आपकी प्रॉब्लम जो है फोन के हैंग होने की, लैग होने की, वो सॉल्व हो जाएगी। दोस्तों मुझे उम्मीद है आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। जी दीजिए इजाजत, मिलते हैं हम लोग अपने नए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।